सारी सारी जो कानून ये लोग जो कानून तोड़ रहे हैं धर्म के बिना पे कि जी हमारे धर्म में तो फलाने धर्म में तो ये लिखा है, इनको 1400 साल पहले से पता है इन लोगों को कि कोरोना से कुछ नहीं होना है, कोरोना आया है तो वो काफिरों के ऊपर अल्लाह ने नाफिस किया है, और हमसे बोल रहे हैं धर्म की बात ना करो, खुद चिल्ला चिल्ला के धर्म का नाम ले रहे हैं। एके मिश्रा जी, तो क्या ये सब कह रहे हैं क्या? यहाँ तो आप सबको टारगेट कर रहे हैं। मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो एक स्पेसिफिक मेंटेलिटी वाले हैं। तो यहाँ कॉमन परसेप्शन आप ये बात को स्पष्ट करना होगा, चाहे वो 2000 हो चाहे वो 20,000 हो। एक प्रवक्ता अभी जो बैठे थे जमात के, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, उन जैसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं मौलाना साहब को टारगेट कर रहा हूँ, मैं शाहीन बाग के उन औरतों को टारगेट कर रहा हूँ जिन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया, वैज्ञानिकों को भी नहीं पता था लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो 1000 साल पहले हमें पता था कि कोरोना तो आना ही आना है इस दिन, क्योंकि हम बिरयानी खा रहे हैं तो हमको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्यों ना बात करें उनके धर्म के बारे में, उनके जज्बात के बारे में, ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में हम क्यों ना बात करें खुल के। ठीक है, ठीक है। अब पॉलिटिकल एनालिस्ट एके मिश्रा जी इस वक्त मौजूद हैं, इसके अलावा जमात। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी कही है आर विक्रम जी ने, एके मिश्रा जी, कि कानून जो तोड़ता है और जो कानून के साथ है, हम इस तरीके से इस पूरे मामले को देखें। एके मिश्रा जी, देखिए बात वही है, हम यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जो कानून तोड़ रहे हैं वो कानून किस बिना पे तोड़ रहे हैं, लॉजिक क्या दे रहे हैं, कानून तोड़ने में वो धर्म की बात ला रहे हैं। ऐसे भी वीडियो चले थे कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है कोरोना है, इससे हमें कुछ नहीं होगा, हम तो सारी चीजें करेंगे। कानून तोड़ने वालों से आप पूछिए ना कि आप धर्म के बिना पे आप कानून क्यों तोड़ रहे हो। कानून को जो लोग ये तोड़ रहे हैं, कोरोना को नहीं मान रहे हैं, गवर्नमेंट की अपीलों को नहीं मान रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, किस बिना पे? वो धर्म के आड़ में छिपके आ रहे हैं। तो इसमें मेरी आपकी और दुनिया की क्या गलती है? धर्म को बेस बना के वो खुद सारे हथियार ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, कानून तो कानून वो तोड़ रहे हैं धर्म के बिना पे, मतलब धर्म के आड़ में वो तोड़ रहे हैं। मतलब एके मिश्रा जी, मतलब एके मिश्रा जी, आपने इस बात का धर्म ही होगा ना। ठीक है, मतलब आप इस बात पर बिल्कुल अग्री करते हैं कि उन लोगों ने जानबूझकर इस कोरोना को फैलाया। जानबूझकर के, देखिए आप बोल रहे क्या इनको जानकारी नहीं थी, अरे जानकारी छोड़िए, जानकारी नहीं, ये इल्म की बात करिए, इनको जबरदस्त इल्म था कि ये क्या है, देखिए ये का ये, कैसे फायदा उठाना ये है। पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा, और वो जाहिर सी बात है कि वो पॉलिटिशियन की तरह तो बात करेंगे नहीं। पॉलिटिशियन बड़ा बहुत बात नहीं कर रहा है, बात हम साफ साफ कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि ये जितने भागे हुए हैं जो क्वारंटाइन नहीं होना चाहते हैं, सरकार के बार बार अपील करने पे भी जो जमाती नहीं आ रहे हैं, उनका लीडर खुद बोल रहा है भाई ये तो कुरान में लिखा हुआ है। अरे खुद वो धर्म को बीच में ला रहे हैं, हम साफ गोई से बात कर रहे हैं। आप उनसे बोलिए कि आप इस महामारी में धर्म को क्यों आने ला रहे हो, पहले जान बचाओ ना। वो ये करेंगे नहीं, सारी सारी जो कानून ये लोग जो कानून तोड़ रहे हैं धर्म के बिना पे कि जी हमारे धर्म में तो फलाने धर्म में तो ये लिखा है, इनको 1400 साल पहले से पता है इन लोगों को कि कोरोना से कुछ नहीं होना है, कोरोना आया है तो वो काफिरों के ऊपर अल्लाह ने नाफिस किया है, और हमसे बोल रहे हैं धर्म की बात ना करो, खुद चिल्ला चिल्ला के धर्म का नाम ले रहे हैं। एके मिश्रा जी, तो क्या ये सब कह रहे हैं क्या? यहाँ तो आप सबको टारगेट कर रहे हैं। मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो एक स्पेसिफिक मेंटेलिटी वाले हैं। तो यहाँ कॉमन परसेप्शन आप ये इस बात को स्पष्ट करना होगा, चाहे वो 2000 हो चाहे वो 20,000 हो। एक प्रवक्ता अभी जो बैठे थे जमात के, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, उन जैसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं मौलाना साहब को टारगेट कर रहा हूँ, मैं शाहीन बाग के उन औरतों को टारगेट कर रहा हूँ जिन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया, वैज्ञानिकों को भी नहीं पता था लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो 1000 साल पहले हमें पता था कि कोरोना तो आना ही आना है इस दिन, क्योंकि हम बिरयानी खा रहे हैं तो हमको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्यों ना बात करें उनके धर्म के बारे में, उनके जज्बात के बारे में, ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में हम क्यों ना बात करें खुल के। ठीक है, ठीक है। अब हो रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि इनको गोली मार दो, इनको देश से निकाल दो, ये तो जमाती तो बीमारी थी, इसको इससे कैसे जोड़ दिया गया, इसको कैसे समझे? एके मिश्रा जी, इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, जब महामारी या कोई ऐसी दैविक आपदा आती है या युद्ध की, तो एक बेसिक कर्तव्य हर नागरिक का होता है। जो बोल रहे थे ये जमात के प्रवक्ता बैठे हुए थे, ये खुद लॉ के प्रोडक्ट है, वकील है, और मुझे तो शर्म आती है इनके ऊपर। ये बोल रहे थे कि ऐसी खबरें आ रही थी कि जमातियों को गोली मार दो। अरे वो कोई अफवाह उड़ा रहा था, आप एक लर्नड
पर्सन हो, आप सरकार से लीगल डॉक्यूमेंट मांग रहे हो कि सरकार ने कहां अपील की, कोई गजट आप मुझे दिखाइए। हाँ। तो इनको यह समझना चाहिए कि क्या सरकार ने कोई ऑफिशियली ऐसा गजट दिया था क्या कि जमातियों को देखते ही गोली मारो। अगर सरकार ने कोई ऐसा ऑफिशियल गजट दिया था तो वो दिखाएं, वो आकर के जमात वाले दिखाएं। दूसरी चीज, हर जगह एक मुनादी होती है, मुनादी मतलब सरकार वर्बल बोलती है, उनको भारत सरकार की समझ, उन बातें समझ में इसलिए नहीं आ रही कि शायद उनके जेहन में सरकार का मतलब है पाकिस्तान का सरकार। इमरान खान जब बोलेंगे कि मिशन कंप्लीटेड, तब जाकर के वो सारे बाहर निकलेंगे। तीसरी चीज, सब ऐसे हैं क्या, सबको एक साथ मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो ये जमात के प्रवक्ता थे वो जरूर ऐसे हैं, तभी वो सरकार से बोल रहे थे कि कोई गजट हो तो दिखाइए। अरे अपील कर दी, वो इस क्रिटिकल मौके पे केवल अपील करना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही गजट के बराबर होता है। एक अपील मोदी जी ने की थी कि भाई थाली बजाओ या एक दिन का आप कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लागू करो, कितनी ईमानदारी से लोगों ने किया। अगर ये होते तो ये वो भी नहीं करते। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा और संकट के समय सबका अपना कर्तव्य होता है। हर आदमी को पर्चा बांट बांट के गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्री करके नहीं भेजेगी कि मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ। ये मस्जिदों वाला यहाँ पे जो ये लोग इंतखाब करते हैं ना, बिना इंतखाब के इनको कोई चीज समझ में आती नहीं। ठीक है, ठीक है, यानी से इंतखाब होगा तब ये समझेंगे। ठीक है, देखिए देखिए, सुनिए एक मिनट सुनिए, ये जो तबलीगी जमात के जो सदस्य बैठे हैं ना, इन्होंने बहुत सही बात बोली। ये बोल रहे हैं सरकार कहाँ अपील कर रही है, हर टीवी चैनल पे सब जगह। साहब, इनके इशारों और इनके आइडियोलॉजी को समझिए, सरकार से इनका मतलब है पाकिस्तान की सरकार। जब तक इमरान खान इनसे अपील नहीं करेंगे कि हाँ भाई बाहर आके आप भारत की सरकार के साथ सहयोग करो, इनके कान में कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। तो खुल के साहब बोल दीजिए कि सरकार से हमारा मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार जब तक अपील नहीं करती है तब तक जमाती बाहर नहीं आएंगे। दूसरी इनकी साजिश आप देखिए, मेरी बात सुनिए, कोटा में लड़के थे, एक महीने से बैठे रहे लेकिन वो बाहर नहीं गए। ये होती है नैतिक जिम्मेदारी राष्ट्र की तरफ से। अगर आप लोगों को दीन का रास्ता ख्याल होता तो आप एक महीने वहीं पे रुके रहते, सुविधाओं के अभाव में आप इधर-उधर भागते नहीं। ठीक है, आप हर जगह जाके चोर की गाड़ी में तिनका, आप जानते हो कि अगर आप पकड़े गए तो न जाने कौन कौन से काम आपके खुल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ले आइए नोटिफिकेशन, वो सर्कुलर ले आइए। सरकार का मतलब पाकिस्तान की सरकार है, ये बाहर तक निकलेंगे, ये सरेंडर तब करेंगे जब कुछ लोग जब इमरान खान आके इनसे बोलेंगे कि भाई अब बाहर निकलाओ, मिशन कुछ नहीं कर सकते, आप खाली हो एकदम अंदर से। ठीक है, ठीक है, आप सिर्फ चिल्ला सकते हैं मेरे भाई, आपको मैंने सिंपल सा कहा, वो नोटिफिकेशन, वो सरकुलर की कॉपी आप ले आइए, जहाँ सरकार ने अपील करी है, खत्म कहानी, छोटी सी बात है, ले आइए, दीजिए लाके मीडिया को, दीजिए लोगों को, दीजिए पब्लिक के लोगों को पता चले के बाहर आना है। मांग रहे हैं आप बार बार, छुपा के क्यों बैठे हुए हैं आप, कौन से सर्कुलर की कॉपी मांग रहे हैं आप बार बार, क्यों बैठे हुए हैं आप, कौन से सर्कुलर की कॉपी मांग रहे हैं आप बार बार, जरा बताइए कौन से सर्कुलर की कॉपी। बताता हूँ आप, क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको नहीं पता था कि देश में लॉकडाउन हो रहा है। आपने पूछा कौन से की, तो मैं बता दूं कौन से की, बताइए बताइए बताइए। जब मरकज का मामला सामने आया और ये पता चला कि यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लोग गए हैं, तो क्या केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये बताया कि भाई जो लोग जहाँ जहाँ गए हैं उनके लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया जाए, उनको एक सर्कुलर इश्यू किया जाए, जमात के लोगों को भी एक सर्कुलर, स्टेट्स को भी एक सर्कुलर के भाई ऐसा ऐसा करना है, ये कंटिन्यू होंगे, आप लोग निकल के आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आपके खिलाफ मीडिया ट्रायल चला जा रहा है उस एक्शन प्लान की, उसकी सर्कुलर की, उसकी कॉपी या नोटिफिकेशन कहाँ है, लाइए सामने टेबल पर डालिए। एक मिनट, जो आप जिस तरीके से सरकार से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनको, या होम मिनिस्ट्री की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जो निकल रहे हैं, ठीक है, माना इस चीज के बारे में कि सरकार की तरफ से, आप भी इसी सरकार के अंदर रहते हैं, आप भी तो आप क्यों उस चीज के बारे में सर्कुलर सरकार को नहीं भेजते, सरकार का क्यों मदद कोऑपरेटिव करना चाहते हैं आप, इनसे ये पूछिए, जब सरकार इनको बोलती है तब बोलते हैं कागज नहीं दिखाएंगे आप, सरकार आप कागज, आप सरकार से कागज मांगने में आपका परेशान हो रही है, एक के पास बरेली को मांग रहे हो, एक के पास टेररिज्म आइडियोलॉजिकल टेररिज्म, एक के मिश्रा जी मुद्दे से नहीं भटकेंगे हमारे साथ, मिजिबुर रहमान साहब यही कह रहे हैं, आप सर्कुलर मांग रहे हैं, जिंदगी मौत बांटते फिर रहे हैं आप और आपके जमाती, और आप कह रहे हैं सर्कुलर नहीं जारी किया था गवर्नमेंट ने, उन्होंने नहीं, हम मौत आपके हिसाब से हम मौत बांटते फिर रहे थे, उसके मौत नहीं था तो क्या था, ये बायोलॉजिकल टेररिज्म फैला रहा है सर, मौत बांटना तो छोटी चीज है,
ठीक है, और जब जरूरत पड़ती है तो आप जमातियों को बाहर नहीं निकालोगे, 500 रुपए के लिए लाइन में लगा दोगे आप सब। ठीक है, तुम जैसे लोगों ने नाक कटवा दी है 6 साल के अंदर, तुमको मालूम है जाकर के बाहर का भी निकलो, नागपुर से बाहर निकलो, दुनिया देखो, पता चल जाएगा तुम्हें, दुनिया थूक रही है तुम्हारे ऊपर, दुनिया ठीक है। देखिए देखिए वही बात है ना, वही बात फिर से ठीक है रहमान साहब, रहमान साहब फिर वही बात हो गई ना कि अगर संदेश जारी किए उसके बाद क्या है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है रहमान साहब, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि मौलाना कागज पे बात कभी और कर लेंगे। एके मिश्रा जी देखिए, एक ये ऐसी मेंटेलिटी है ना, जो भले ही लोग कुछ ऐसी मेंटेलिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे हैं, यहाँ का संविधान कुछ और है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका दिमाग ऐसा फीड किया गया है कि वो इसको एकदम से पराया समझते हैं, ना उनको अपना वतन ना अपना देश ना यहाँ, इवन ऐसे लोगों को अपने पड़ोसियों की भी फिक्र नहीं होती है और वो उसको भी कन्विंस करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ बात बात पे आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट से बोल रहे हो कागज दिखाओ सर्कुलर दिखाओ, आप अपना आधार कार्ड तो दिखाते नहीं हो, जब गवर्नमेंट ने और विपक्ष की सारी पार्टियों ने भी इतने हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप लोग सावधान रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ना ये पक्ष की मान रहे हैं ना विपक्ष की मान रहे हैं, लेकिन ये समय कम से कम कागज के लिए पूछने का नहीं है। बहुत बहुत ये पाकिस्तान की बात है। मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, कैप्टन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आर विक्रम जी आपका भी बहुत